रोको टोको अभियान के तहत देसी कट्टा व जिंदा कारतूस सहित एक आरोपी को किया गिरफ्तार। राजगढ़ जिले में वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार अवैध हथियारों के तस्करों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मनकामना प्रसाद व SDOP चिपुर श्री आनंद राय द्वारा थाना प्रभारी जीरापुर को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। इसी तारतम्य में दिनांक 15/5/2022 को शवनी मन्नू लाल थाने से हमरा 810 सुनील कुशवाहा 8716 रवि जाट के रवाना होकर वाहन चेकिंग रोको टोको अभियान के तहत विजया कॉन्वेंट स्कूल के सामने वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसके जरिए विश्वसनीय मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि माचलपुर नाका पर बड़ के पेड़ के पास एक व्यक्ति पतला लंबा सा सांवले रंग का है जो कहीं जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा है, जिसने अपनी कमर में एक देसी कट्टा लगा रखा है और सूचना पर 155 देवी सिंह 234 विक्रम सिंह को तलब किया और मुखबिर सूचना से अवगत कराकर मुखबिर सूचना की तस्दीक हेतु रवाना होकर माचलपुर नाका पहुंचे, जहां पर व्यक्ति मुखबिर द्वारा बताए हुए हौलिया का देखा पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे हमरा फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। आइए दिखाते हैं खबर विस्तार। पुलिस अधीक्षक शर्मा जी के नेतृत्व में एडिशनल SP श्री मनकामना प्रसाद के निर्देशन में एवं SDP के मार्गदर्शन में अवैध हथियारों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना जीरापुर के प्रधान आरक्षक सुनील कुशवाहा को सूचना प्राप्त हुई। एक व्यक्ति अबरार खान नाम से निवासी बड़ौल एक अवैध देसी हथियार कट्टा लिए घूम रहा है, जो उसे बेचने के इरादे में उक्त सूचना की तस्दीक में प्रधान आरक्षक को हमरा बल के रवाना किया गया, जो उक्त आरोपी के कब्जे से एक देसी कट्टा और एक कारतूस जब्त किए गए हैं। आरोपी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है, जिसमें जो जेल दाखिल कराया गया है। थैंक यू।